आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप हाईली प्रॉफिटेबल क्लिकबैंक ऑफर्स को कैसे चुन सकते हो और ऑफर को प्रमोट करना भी सिखाऊंगा, वो भी फ्री हाई टियर टारगेटेड ट्रैफिक से। इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल टूल वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो आपके अर्निंग को बूस्ट करेगी, और अगर आप नए अफिलिएट हो तो ये वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती है इस स्पेस में पहला डॉलर अर्न करने में। तो मैंने सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। स्टेप वन है फाइंड प्रॉफिटेबल ऑफर। जिस टूल वेबसाइट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था उसका नाम है cbsnooper.com। cbsnooper एक फ्री टूल वेबसाइट है जिसमें आपको क्लिकबैंक के सारे प्रोडक्ट के स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका जो R&D में टाइम जाता है वो टाइम बचाती है, प्लस आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब आप cbsnooper.com पे आओगे तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। उसके बाद आप कुछ ऐसे डैशबोर्ड पे आओगे। यहाँ पे आपके सामने अभी तीन मैट्रिक्स हैं। यहाँ डैशबोर्ड में आप देख सकते हो ये टॉप 5 क्लिकबैंक प्रोडक्ट्स है जो अभी चल रहे हैं, टॉप 5 राइजिंग प्रोडक्ट्स है जो अभी प्रोडक्ट्स उभर करके आ रहे हैं, टॉप 5 फॉलिंग प्रोडक्ट्स है, ये मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स अभी उतना नहीं बिक पा रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स का सेल फॉल कर रहा है। जैसे cbsnooper के अंदर बस यही तीन मैट्रिक्स नहीं होती, अब फिर प्रोडक्ट वाइज भी बहुत सारे मैट्रिक्स वहां पे होते हैं। आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं डेंटिटॉक्स को चुन लेता हूँ सपोज, और यही सेम ऑफर को अभी हम क्लिकबैंक पे खोल लेते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं सर्च। ये अब देखो ये हमारा प्रोडक्ट है डेंटिटॉक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरऑल रैंक इसका 4 है, ग्रेविटी इसकी 242.124 है, एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारा मैट्रिक्स अवेलेबल होता है जिसकी बेसिस पे आप चुन सकते हो ये प्रोडक्ट मुझे चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए, वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। लेकिन आप जब क्लिकबैंक पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बस दो ही डेटा अवेलेबल है, एक आपको यहाँ पे इतना कन्वर्जन मिलेगा और दूसरा यहाँ पे कि आपकी ग्रेविटी इतनी होगी। ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस का प्रोडक्ट है ये हमें भी पता है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे कुछ लोगोज होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इन लोगों का कोई मतलब पता नहीं होता, इसलिए cbsnooper पे आप जब आओगे तो आपके पास पूरा हिस्टोरिकल डेटा होगा यहाँ पे, और उसी डेटा पे आप प्रोडक्ट को चुन सकते हो, और यहाँ पे वैसा कोई डेटा नहीं होता। यहाँ पे तो सिंपली ये लोग ऐसे लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अफिलिएट इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करें, लेकिन एक्चुअल में हमें जो कहानी पता चलती है वो cbsnooper पे पता चलती है। इसलिए cbsnooper एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है। आप इस वीडियो को एंड तक रुकोगे तो मैं आपको सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा, ये सारे मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्लिकबैंक पे आपको ये सारे चीजों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट अभी हॉट है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अफिलिएट अभी प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट अभी अफिलिएट्स कम प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट अभी अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट को अभी आपको नहीं प्रमोट करना चाहिए, अगर आप नए अफिलिएट हो तो आपको किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, तो ये सारा डेटा क्लिकबैंक पर नहीं होता, इसलिए हम लोग cbsnooper जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये तो बात हुई हमारे डैशबोर्ड सेक्शन की। अब यहाँ पे हमें आना है रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट पे आपके सामने यहाँ पे 7 ऑप्शन आते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, टॉप प्रोडक्ट्स, पीकिंग प्रोडक्ट्स, हॉट प्रोडक्ट्स, राइजिंग प्रोडक्ट्स, फॉलिंग प्रोडक्ट्स, रिकरिंग प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे कि नए प्रोडक्ट्स अभी कौन से आ रहे हैं क्लिकबैंक पे, टॉप प्रोडक्ट्स अभी कौन से चल रहे हैं, पीकिंग प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, हॉट प्रोडक्ट्स अभी क्या है, कौन ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है, राइजिंग कौन सा प्रोडक्ट है। लेकिन मुझे इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है अभी यहाँ पे रिकरिंग प्रोडक्ट पे, तो इसलिए मैं रिकरिंग पे क्लिक करूंगा। रिकरिंग प्रोडक्ट्स वैसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जिसमें आपको बस एक बार बेचना होता है, उसके बाद अगर वो जब भी उस चीज को खरीदते जाएंगे, जैसे कि सपोज आपने अगर हेल्थ सप्लीमेंट बेचा तो हेल्थ सप्लीमेंट फिर उनकी खत्म हो जाएगी 1-2 महीना के बाद, तो फिर जब वो हेल्थ सप्लीमेंट खरीदेंगे तो फिर आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। इसलिए रिकरिंग प्रोडक्ट को मैं ज्यादा चूज करता हूँ क्योंकि आपको बस एक बार बेचना होता है, उसके बाद उसका फनल खुद काम करता है। अगर आपको पता नहीं कि फनल क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे फनल को एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं यहाँ पे आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे कस्टम कीटो डाइट एक प्रोडक्ट है जो कि रिकरिंग में अभी क्लिकबैंक का तीसरा बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ओवरऑल रैंक 6 है, ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी बढ़ रही है, ग्रीन है। यहाँ पे लिखा हुआ है $52.29 और रिकरिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है $21.10। तो क्या जब इनिशियली कोई खरीदेगा आपसे कस्टम कीटो डाइट तो आपको $52 मिलेंगे? एक्चुअली में आपको $52 नहीं दिए जाते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं cbsnooper का यूज करता हूँ। यहाँ पे आप इनिशियल अर्निंग पर सेल पे आओगे तो यहाँ पे आप जब देखोगे, यहाँ पे आपको बस $30.08 का ही कमीशन दिया जाएगा, फर्स्ट इनिशियल कन्वर्जन होगा वो आपका, और ये कन्वर्जन बीच में पड़ता है, बीच में गिरता है, आप इसकी पूरा पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे जो एवरेज सेल पर अर्निंग है ना, ये देख सकते हो, ये अभी 52.29 है, ठीक है। उसके बाद उनका फनल काम करेगा, उसके बाद आपको $21.10 दिए जाएंगे। एक और प्रोडक्ट है यहाँ पे, मास्टर बैंक्स ड्रॉज योर सोलमेट स्केच, इस पे क्लिक करते हैं। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिकरिंग कमीशन बहुत कम दिया जा रहा है, $2.68 का बस रिकरिंग कमीशन है यहाँ पे। ग्रेविटी आप देखो यहाँ पे 122 है, ग्रेविटी इसकी बढ़ रही है, ओवरऑल रैंक आप इसकी देख रहे हो यहाँ पे बढ़ रही है। और यहाँ पे आप उसकी मैट्रिक्स चेक कर लेना, और भी आपको मैं मैट्रिक्स चेक करना सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप सेम चीज यहाँ पे अगर आप क्लिकबैंक पे जाकर के सर्च करोगे, मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ, तो क्लिकबैंक पे आप देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ मैट्रिक्स है नहीं, बस यहाँ पे ये तीन मैट्रिक्स आपको दी गई है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसका पास हिस्ट्री भी अच्छा हो और इनिशियल सेल भी ठीक ठाक हो और उसका रिकरिंग भी अच्छा हो। मुझे फर्स्ट में कुछ उतना दिखा नहीं क्योंकि ये सारे बहुत ही हाई कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है और नए अफिलिएट को मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जाकर के जावा पर नेक्सी प्योर टाइप के प्रोडक्ट को प्रमोट करो। इसलिए मैं सेकंड पे जाता हूँ, नए अफिलिएट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रोडक्ट आप देख सकते हो 20 बेस्ट प्रोडक्ट है क्लिकबैंक का भी रिकरिंग में, और इसका नाम है इजी राइटर और इसकी ग्रेविटी 67 है, ठीक है। और ग्रेविटी प्लस में इसकी कमीशन यहाँ पे आपको 75% दिया जाता है। इनिशियल सेल थोड़ा कम है, रीबिल्ड इसका ठीक है। इसका मैं कुंडली पढ़ता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल रैंक इसकी 37 है, ग्रेविटी ठीक है, ग्रेविटी इसकी बढ़ रही है, अर्न
यहाँ पे आप 84.53 डॉलर कर सकते हो टोटल। रिकरिंग यहाँ पे है 37.79 डॉलर जो कि ठीक है। नीचे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेविटी चार्ट, आप यहाँ से देखो ग्रेविटी इसकी दिन पे दिन बढ़ रही है। और यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, विद हायर नंबर मीनिंग मोर कन्वर्सन। ग्रेविटी बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि अफिलियट इसको सक्सेसफुली प्रमोट कर पा रहे हैं। इनिशियल सेल पर अर्निंग आप देख सकते हो यहाँ पे, इनिशियल सेल पर अर्निंग अभी थोड़ी सी कम हुई है, 6.29 डॉलर है, जो कि इनिशियली अगर आप क्लिकबैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करने आ रहे हो तो ठीक है। आपको जावा बर्न एक्सपीओ टाइप के बहुत ही हाईली कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट को प्रमोट करने की अभी जरूरत नहीं अगर आप नया अफिलियट हो तो। रेफर्ड आप देख सकते हो, रेफर्ड दिन पे दिन बढ़ रही है इसकी, ठीक है। कमीशन तो यहाँ पे फिक्स है 75%, ठीक है। तो आज हम इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। अभी हम लोग क्लिकबैंक पे चलते हैं और देखते हैं इस प्रोडक्ट को, और यहाँ पे सर्च करते हैं इजी राइटर। यही हमारा प्रोडक्ट है, पेड ऑनलाइन राइट जॉब्स, गेट पेड टू डू सिंपल राइटिंग जॉब्स ऑनलाइन। इसके अफिलियट पेज पे हम लोग आ जाएंगे। ये इसका अफिलियट पेज है। अफिलियट सपोर्ट पेज में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका अपसेल फ्लो है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे अपसेल आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ट आप आकर देख लेना। नीचे आते हैं यहाँ पे आपको ईमेल स्वाइप्स दे दी जाते हैं। ईमेल स्वाइप्स कैसे काम करती है, ईमेल स्वाइप्स के थ्रू आप कैसे प्रमोट करते हो, मैंने पिंटरेस्ट वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। नीचे आते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे बैनर्स मिल जाते हैं। आप देखो यहाँ पे ये बहुत सारे बैनर्स हैं, यहाँ पे आप सबका पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको पता नहीं कि बैनर्स को अपने वेबसाइट्स में कैसे यूज करते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू कैसे यूज करते हैं, तो जो मैंने फ्री वेबसाइट बनाना सिखाई उस वीडियो में मैंने बैनर्स को ऐड करना सिखाया अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस भी आपको मिल जाती है, यहाँ पे कुछ वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं, इस वीडियोस के थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हो। और यहाँ पे पीपीसी एड्स मिल जाते हैं और ये सजेस्टेड कीवर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गया है। इसका मतलब है कि ये सारे कीवर्ड को आप टारगेट करोगे जब आप पेड एड्स चलाओगे तो। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स इन लोगों ने लिख दिया पेड एड्स के लिए कि टारगेट ऑडियंस आप करना फीमेल को जिनका एज 35 प्लस हो, इन सारे गैजेट्स पे आप एड चलाना और ये सारे कंट्री पे आप जाकर के एड चलाना। तो ज्यादा अफिलियट रिसोर्सेज होती है तो अफिलियट्स को प्रमोट करने में ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन आज जिस अफिलियट रिसोर्सेज का हम यूज करने वाले हैं वो है यहाँ पे वीडियोस। तो वीडियोस को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ये डूडल ड्रॉइंग वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस टाइप की वीडियोस है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो डाउनलोड वीडियो दिस फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे थ्री डॉट पे आके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये देखो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद अभी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे bitchute.com पे। आप यहाँ पे देख सकते हो bitchute.com एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube है, सेम उसी तरह bitchute भी है। लेकिन ये वेबसाइट बहुत ही कम लोगों को पता होती है क्योंकि ये इंडिया में उतना पॉपुलर वेबसाइट नहीं है। और यही हमारा वो वेबसाइट है जिसमें हमें हाईली टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा, वो भी हाई टियर ट्रैफिक। और अगर मैं सिमिलर वेब से अगर आपको इसका ट्रैफिक चेक करवाना चाहूँ तो वो भी आप देख लो। सिमिलर वेब पे आप देखो यहाँ पे इसका 41 मिलियन का ट्रैफिक है और ये सारा हाई टियर कंट्री से ट्रैफिक, आप देखो सारा हाई टियर कंट्री है। वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे bitchute.com पे एक बहुत ही हाई टियर ट्रैफिक है और हमें हाई टियर ट्रैफिक को ही कोशिश करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेचोगे, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम पे इस टाइम बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस है इन सब पे और यहाँ पे उतने टारगेटेड ट्रैफिक आपको नहीं मिल पाता है। इसीलिए आज जो हमारा वीडियो था जो हम लोगों ने डाउनलोड किया वो हम bitchute.com पे डालेंगे। तो हम अभी सीखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे जो अपलोड का बटन आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना वीडियो फाइल डालना है। तो हम वीडियो फाइल ले लेते हैं अपना, ये हमारा वीडियो फाइल था, ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको थंबनेल लगाना है। थंबनेल आप चाहो तो कैनवा से बना सकते हो, कैनवा में बहुत अच्छी थंबनेल्स बनती है। और अगर आप नहीं बनाना चाहो तो मैं जनरली यहाँ से इस फोटो को स्निप कर लेता हूँ। उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं वहां पे अपलोड कर देते हैं। ये हमारे यहाँ पे थंबनेल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजों को लिखना है। टाइटल लिखने के लिए मैं इसके सेल्स पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इसके सेल्स पेज पे आएंगे और मैं यहाँ पे जो हेडिंग है इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए अभी हम अफिलियट सपोर्ट पेज पे जाते हैं। अफिलियट सपोर्ट पेज पे आने के बाद हम ईमेल स्वाइप्स पे जाएंगे क्योंकि ईमेल स्वाइप से बहुत सारी चीजें दी जाती हैं जो आप यूज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे ईमेल वन पे जाएंगे और यहाँ से सपोज मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया टू अप्लाई यू विल नीड टू टेक अ फ्यू सेकंड टू री एंटर योर डिटेल्स। यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे अभी हम लोगों को अपनी अफिलियट लिंक लगानी है। अफिलियट लिंक लगाने के लिए हम यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जनरेट हॉप लिंक्स पे क्लिक करेंगे। ये हमारी लिंक आ चुकी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम bitly.com पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आप अपनी लिंक को शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टन करेंगे। और ये जो छोटी वाली लिंक आ चुकी है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अभी सर्च टर्म लिखेंगे कि जब लोग सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो आए, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अर्निंग जॉब इनकम। ठीक है, सेपरेटेड बाई स्पेसेस लिखा था यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ये आप देखो यहाँ पे ये हमारी वीडियो पब्लिश हो चुकी है bitchute पे और
ये हमारा चैनल का नेम है दी फ्लैश वन जो मैंने रखा था। आप चाहो तो इसका नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपके सब्सक्राइबर्स भी यहाँ ऐड हो, जैसे यूट्यूब पे होता है सारी चीजें यहाँ पे होती है। ये हम लोगों ने वहाँ पे डाला था सर्च टर्म, वो यहाँ पे हैशटैग बन के आ चुका है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन था और ये हमारी अफिलिएट लिंक है, तो कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपके अब अफिलिएट प्रोडक्ट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे लोग कमेंट्स भी डाल सकते हैं अपने। ऐसे ही बिटशूट पे आके आपको मल्टीपल वीडियोस अपलोड करनी है, सारी चीजों को ठीक से करना है, मैंने बस जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए कर दिया, आपको सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। तो ठीक है, मुझे आज की वीडियो में बस आपको यही दिखाना था। अगर आपको सीबी स्नूपर्स जैसी और भी वेबसाइट के बारे में जानना है तो आप दी फ्लैश को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।